आशुतोष जी, आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ ये झारखंड में। आपकी ओर बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से देश देखता है। जब भी कोई राज्य अस्थिर होता है तो ऐसा लगता है कि भाजपा स्थिरता देने की जिम्मेदारी को निभाएगी, पर आज ऐसा कुछ हुआ नहीं। कहां चूक गए आप? हिमांशु जी, भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड के अंदर सरकार बनाने का कोई प्रयास किया था क्या? जी सवाल नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाने का कोई प्रयास नहीं किया था। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया और उसके बाद हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार भी किया। जी और इस बात को समझने की आवश्यकता है कि आजादी के बाद से कांग्रेस ने पूरे देश के अंदर एक भ्रष्टाचार का आलम फैला दिया था। जी और क्षेत्रीय पार्टी जब अपने प्रदेश के अंदर उभर करके सामने आती है तो वो भी वही काम किया, उसने भी विकास का कोई पैमाना उस राज्य के अंदर स्थापित करने का प्रयास नहीं किया। आप किसी भी राज्य के अंदर क्षेत्रीय दल को आप यदि देखते हैं तो सारे क्षेत्रीय दल भ्रष्टाचार में आरोपित है। बंगाल के अंदर देखिएगा तो टीएमसी है, उत्तर प्रदेश के अंदर कभी आप अखिलेश यादव मायावती को देखे होंगे, सारे भ्रष्टाचार में आरोपित है। बिहार के अंदर तेजस्वी यादव की सरकार थी, तेजस्वी यादव खुद आरोपित है, उनके पिता आरोपित हैं। झारखंड के अंदर सिद्धू सोरेन भी कभी आरोपित थे, आज उनके पुत्र आरोपित हैं। तो सवाल है कि विकास को विकास के दृष्टि से परिभाषित करने का प्रयास इन क्षेत्रीय दल के नेताओं ने कभी नहीं किया। उन्होंने मात्र राजनीतिक दृष्टिकोण से अपनी सुविधाओं को स्पष्टता देने के लिए, उसका विस्तार करने के लिए और राजनीतिक सुख सुविधा को भोगने के लिए अपनी राजनीतिक रोटी को सेकने का काम किया। आज तक